सभी को नमस्कार। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कभी कहा था, बींग इग्नोरेंट इज नॉट सो मच ए सेम एज टू अनविलिंग टू लर्न द थिंग्स इन राइट वे। यानी अज्ञानी होना कतई शर्म की बात नहीं है, लेकिन किसी चीज को सही ढंग से सीखने की इच्छा ना होना वाकई शर्म की बात है। कोरोना वायरस पर इतने ज़्यादा वीडियो, इतने ज़्यादा मैसेजेस पहले से बन रहा है, तैयार हो गया है और शेयर हो रहा था कि मैंने सोचा था मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन आज सुबह से जब मैं घर में अकेले था तो सुबह सुबह से ही कई मैसेज ऐसे आए जो मेरे अपने मित्रों के थे, जानने पहचाने लोगों के थे, जिस पर मुझे लगा कि ये जो गलत न्यूज़ स्प्रेड हो रहा है उस पर बोलना ज़रूरी है। आप नॉलेज सही जगह से लें। उसके बाद मैंने तने प्रताप, जो बेंगलोर में माइक्रोसॉफ्ट में भी हैं इंजीनियर, उनसे मैं अधिकतर चीज़ें शेयर करता हूं, तो उनसे मैंने बातें शेयर की तो उन्होंने बताया और उन्होंने भी FB पर एक लाइव जाकर वीडियो बनाया जो यूजफुल है। मैंने सोचा कि उसे शेयर कर देता हूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं कभी कुछ शेयर करता हूं तो अधिकतर लोग नहीं देखते, वो सोचते हैं कि अच्छा सर ने शेयर किया कुछ होगा। तो मुझे लगा मुझे खुद ही बोलना चाहिए ताकि मेरे से जो जुड़े हुए लोग हैं, खासकर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही मेरे स्टूडेंट्स जो छुट्टी में आए थे वो भी मुझसे मिलने आए हुए थे, तो उन्होंने पैर छुआ, मैंने आशीर्वाद दिया। और सही कहूँ तो मुझे भी बहुत जानकारी नहीं थी आज सुबह से, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो न्यूज में आ रहा है, जो कहीं कहीं हो रहा है, ठीक ही हुआ, सब इसमें गलत क्यों बोलेंगे। लेकिन जब सुबह से मैंने WHO का पूरा आंकड़ा छान मारा, WHO पे पूरी जानकारी ली, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि सही जानकारी, कम से कम ऐसा ना हो कि कल के दिन में मुझे लगे, क्योंकि हो सकता है पिछले कुछ दिनों से मैंने भी कुछ गलतियाँ कर दी हों, ईश्वर न करे कि वो गलती जो है उसका खामियाजा भुगतना पड़े। लेकिन अगर अभी तक कुछ उस तरह की गलती नहीं हुई होगी जिससे कि मुझे कुछ बीमारी हो, तो आगे मैं इसको जो है चाहूँगा कि आप सभी उसको फॉलो करें जो मैं अब से फॉलो कर रहा हूँ, आज से फॉलो कर रहा हूँ। क्योंकि आज तो घर पर रहना था तो दिन भर मैंने सोचा कि इसका सदुपयोग क्या है, तो जिस चीज़ के चलते हम घर पर हैं उसको पूरा जाने और समझें, और ऑथेंटिक जगह से जाने और समझें, जो पूरी दुनिया में वर्ल्ड के हेल्थ पर काम कर रही है, जिसने वादा किया है कि इंडिया पे भी वो मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन मैं एक बात आपसे यहाँ शेयर करने के लिए बैठा हूँ। अब कुछ लोग शेयर कर रहे हैं कि +2 की किताब में, मुझे भी शेयर भी किया है, मैं नाम नहीं लूँगा, 2-3 लोगों ने शेयर किया कि +2 की किताब में देखिए लिखा हुआ है कोरोना वायरस, उसका ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, लोग नहीं समझे जाने, वो कोरोना वायरस नहीं है। ये जो नया नोवेल कोरोना वायरस है, इसको COVID-19 नाम ही दिया गया है। कोविड यानी कोरोना, VI यानी वायरस, डी यानी डिजीज, 19, ये नवंबर 2019 में इसको पकड़ा ही गया है। और अभी इसके बारे में WHO से लेकर सब संशोधन कर रहे हैं कि कहाँ से निकला, क्या निकला, लेकिन लोग को कंक्लूजन में पहुँचने की बड़ी जल्दी रहती है। दुनिया के अधिकतर मामलात इसीलिए ज़्यादा वर्ष हो जाते हैं क्योंकि लोग बहुत जल्दी, माइंड हमारा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है तो कंक्लूजन तुरंत चाहता है, इसलिए व्हाट्सएप से मिला हुआ ज्ञान तुरंत ले लेता है। अब किसी ने कहा थाली बजा दो, संघ बजा दो, मैं नहीं बजाया, इसलिए क्योंकि ये निश्चित है कि इससे कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी, पॉजिटिव प्रभाव होगा, लेकिन इससे कोरोना वायरस प्रभाव होगा ये कतई गलत है। एक बात मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, अभी तक कोरोना वायरस पर जो भी कुछ दवाइयाँ प्रभावी हुई भी हैं वो इतनी मात्रा में नहीं है कि ये बढ़ेगा तो इसे कंट्रोल किया सके। मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये कोरोना वायरस, मैं इटली के डेटा बता रहा हूँ, ये 1, 2, 3, 4 ऐसे नहीं फैलता, ये स्क्वायर्स में फैलता है, 2 से 4, 4 से 16, 2 से 16 से 256, इस तरह जाएगा ये। इटली, जिनका WHO का ही हेल्थ रैंकिंग, हेल्थ केयर जो रैंकिंग होता है कि मेडिकल फैसिलिटीज हेल्थ केयर रैंकिंग, वो 2 नंबर पे था, फ्रांस के बाद 2nd इटली पे, उसमें हम कहाँ हैं मालूम है आपको? मैं अपने देश की बुराई नहीं कर रहा, मैं भी उतने ही देशभक्त हूँ जितना कोई और है, और मुझे इसके लिए किसी की प्रमाण की जरूरत भी नहीं है, लेकिन हम 100 से ऊपर है, 145th रैंक पर है। WHO के अनुसार कम से कम 1000 आदमी पर एक डॉक्टर होना चाहिए। आप बोलेंगे इतना तो जरूर होगा हमारे पास, नहीं है, 10,841 शायद, इसमें 10,000 के ऊपर तो जरूर है, 841 में इधर उधर हो सकता है, इतना पर हमारे यहां एक डॉक्टर है, नर्स 400 समथिंग पर है।
डरा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं। और ये बीमारी फैलती है, सबसे खराब बात यह है कि 14 दिनों तक तो ये पता भी नहीं चलता कि आपको वो बीमारी लग चुकी है। इसलिए कम से कम 14 दिन का आइसोलेशन बोला जा रहा है। तो ये आज का एक दिन जो नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया लोग घरों में रहे, मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन ये एक दिन काफी नहीं है। अगर आप अपने चाहने वाले को, अपने परिवार को, अपने मित्रों को बचाना चाहते हैं, मैं नहीं डर रहा हूं, मुझे लगता है कि मैं काफी मजबूत हूं, लेकिन अगर मेरे कारण से किसी और को हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इसलिए और जब आज अगर 4 लोग ठीक भी हुए तो क्यों हुए, क्योंकि उनको प्रॉपर केयर मिला। लेकिन जब भारी मात्रा में लोग भर जाएंगे, हमारे यहाँ तो फ्लू का ज़्यादा कुछ केसेस आ जाते हैं तो हमारे हॉस्पिटल्स भर जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि यहाँ के बड़े बड़े रिम्स जैसे हॉस्पिटल में, गांधीनगर जैसे हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलते और लोग बाहर बाहर पड़े रहते हैं। तो ये तो सामान्य स्थिति नहीं है। तो जो भी लोग देशभक्त अपने आप समझते हैं, जो लोग भी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, क्योंकि मैं तो कभी भी किसी धर्म के इसके पॉलिटिक्स में बोलता नहीं, क्योंकि मुझे जहाँ भी लगता है कि तटस्थ रहना वहाँ तटस्थ रहता हूँ, लेकिन यहाँ तटस्थ रहने की बात नहीं है। क्योंकि दिनकर जी ने कहा था कि समर से नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उन पर भी अपराध। तो जहाँ तटस्थ रहना है वहाँ रह लेता हूँ मैं, जहाँ लगता है कि यहाँ आंकड़े मैनिपुलेटेड है, जहाँ लगता है कि मैं 100% ज्ञान नहीं रखता हूँ, मैं नहीं बोलता, लेकिन यहाँ मैं जानता हूँ, मैंने रिसर्च किया, मैं 100% ज्ञान रख रहा हूँ, इसलिए मैं तटस्थ नहीं रहूँगा। मैं आज बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं आप सभी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं बच जाऊँ और मेरे चाहने वाले कोई चले जाए, या मेरे परिचय के कोई चले जाए, या कोई भी जाए। इससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक उपाय है, 14 दिन, एक दिन काफ़ी नहीं है। आज भी मैं देख रहा था कि हमारे ही कॉलोनी के कुछ लोग भी बाहर घूम रहे थे। मैंने किसी को मना नहीं किया, इसलिए क्योंकि हो सकता है लोगों को लगे, लोग कहते हैं कि एक बड़ा अच्छा एक डॉक्टर ने कहा कि मुझे इंडिया की स्थिति इसलिए ख़राब ज़्यादा होने की उम्मीद लग रही है, क्योंकि मैं जब समझा रहा था कि लोगों से हाथ नहीं मिलाया तो एक आदमी दूसरे से गले मिलकर हंसने लगा कि हाँ अब तो आप कहिएगा हम मर ही जाएंगे। तो इस तरह की जो मेंटलिटी है, मैं कह रहा हूँ मैं आशावादी हूँ, लेकिन मैं ऐसा आशावादी नहीं बनना चाहता कि तेज आ रही ट्रेन के आगे कूद जाऊँ और बोलूँ कि मैं तो बच ही जाऊँगा, ये पागलपन है। अपने आप को सेफ्टी में रखना है, अगर ईश्वर ना करे कि मुझसे कोई गलती अभी तक हो गई हो, क्योंकि मैं नहीं बहुत चीज़ जानता था, लेकिन अगर बहुत ज़रूरी नहीं हो तो हर कोई, जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, हर कोई अगले 14 दिन तक बहुत ज़रूरी नहीं हो तो बाहर ना निकलें, अपने अपने को खींच लें सब, यही सबसे बड़ा उपाय है, क्योंकि कोई नहीं जानता। इटली में भी मैं पूरा पढ़ रहा था रिसर्च, तो शुरू शुरू में वहाँ भी लोगों ने कहा कि अरे एक दो केस आया है, ये सामान्य सा फ्लू है। फिर किसी ने कहा कि ये शहर में ना, वो शहर में तो नहीं है। लेकिन क्या होता ना, जैसे एक शहर लॉकडाउन होने शुरू होता है, लोग भाग भाग के दूसरी जगह जाने लगते हैं। जैसे 2-4 केस मिलता है वहाँ से लोग भागते हैं। अब जो भाग रहा है वो 14 दिन तक खुद नहीं जानता कि वो कहीं ना कहीं संपर्क में आ चुका था। फिर वो जहाँ जाता है, अब छुट्टियों में इस छोटे छोटे जगह पे भी, कथारा में, स्वांग में छुट्टियों में हॉस्टल बंद हुआ है, तो सभी बच्चे जो है आए हुए हैं पढ़ाई छोड़ छोड़ के। मैं नहीं कह रहा किसी को होगा, लेकिन ईश्वर ना करे उनको किसी जगह कहीं बैठे हों, वहाँ पर पहले से वायरस हो, वहाँ संपर्क में आ गए हों और किसी तरह यहाँ कैरी हो गया। इसी तरह कैरी हो रहा है। साउथ साइड में पहले नहीं था इटली के, तो लोग सोचते थे साउथ साइड में नहीं है, नॉर्थ में है, लेकिन धीरे धीरे चारों ओर फैला। और मैं फिर बता रहा हूँ कि ये 1, 2, 3, 4 नहीं फैलता, ये 2, 4, 16, 256 इस तरह फैलेगा। ये इफ़ेक्ट बहुत बड़ा होगा। और हमारे देश की स्थिति ना आर्थिक बहुत ज़्यादा इतनी अच्छी है, पर मैन कैपिटल ना इतना ज़्यादा है, ना पर मैन डॉक्टर्स हैं, ना फैसिलिटी हैं। यदि आप रियल में देशभक्त हैं, रियल में दूसरे से प्रेम करते हैं, आप सैनिकों का सम्मान करते हैं, डॉक्टरों का सम्मान कर रहे हैं, सबका अगर सम्मान कर रहे हैं जो देश से जुड़े हुए हैं, तो मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। मैं अंतिम 4 पंक्तियाँ एक सैनिक के ही दिल की बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि किसी सैनिक ने कभी कहा था कि हम कतरा 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 दे देंगे वतन के लिए, हम ये भी कर देंगे वतन के लिए,
हम मर तो रहे हैं वतन के लिए, आप जी कर दिखाएं वतन के लिए। तो आज हमें वतन के लिए जीना है और एक ही उपाय है, मैं फिर से कह रहा हूँ, जितना रिसर्च मैंने किया सिर्फ एक ही उपाय है अभी, कि आप 14 दिन, आज से भी 14 दिन जोड़ लीजिए, क्योंकि अभी कोई बहुत बड़ा फैलाव नहीं हुआ है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, जो कि मैं एक और चीज़ पढ़ रहा था, कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमारे पास किट ही नहीं है, जो कि कोरोना टेस्टिंग जो किट होता है वो WHO ने प्रोवाइड किया है बहुत जगह पर, और हमारे देश में जो है भी काफ़ी कम है। तो बहुत सारे जो इनिशियल स्टेज के लोग, उनको तो हम टेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो हम लोगों ने तो टेस्ट ही सबका नहीं किया। अभी हमारी वाइफ के घर के, यानी कि हमारे जो है वो भांजे लगेंगे, वो यानी कि मेरे पुत्र के मौसेरे भाई, तो वो जब चेन्नई से आए तो उन्होंने कहा कि सिर्फ टेस्ट हुआ था फीवर, जिसको फीवर था उसको अलग ले जाया, फीवर नहीं था। अब किसी ने पैरासिटामोल खा लिया तो फीवर डाउन हो गया है, ये भी होता है, पैरासिटामोल खाएंगे निचले स्टेज में तो फीवर डाउन होगा, तो फीवर डाउन हो गया तो वो तो निकल के चला आया। तो इस तरह की बहुत गलतियां हो रही हैं और हुई होंगी, क्योंकि इतने ज़्यादा हमारे पास अभी किट भी नहीं है। तो अब अगर हम असली देशभक्त हैं, अगर हम अपने आप को सही में बुद्धिमान समझते हैं, लोगों का केयर करना समझते हैं, तो इस घटना को समझना, ऐसा नहीं कि लोग जो है 9 बजे रात से निकले, पटाखा छोड़ने लगे और जो है लोग फिर से गले मिलने लगे आपस में, और ये स्थिति और अचानक फिर भयावह हो जाए। मूल संदेश को समझें, लोग पैनिक तो ना हो, लेकिन जो है मूल संदेश समझे कि आइसोलेट रहने बुराई क्या है। 14 दिन आप थोड़ा सा आत्ममंथन कीजिए, देश के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए कुछ सोचिए। हो सकता है इकोनॉमिक का भी कुछ डाउन हो, पूरी दुनिया में हो रहा है, उससे बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, चीज़ों को संयमित कर लेना। हमारा देश संयम का देश रहा है, हम लोग संयमित कर ले, कम से कम संसाधन में जीने की आदत डाल लें कुछ दिन, और शायद ये प्रकृति ये सिखाना भी चाह रही है कि कम से कम संसाधन में जीना फिर से सीख लें, ताकि दुनिया जो है पुनः जो है बेहतर बन सके। मैं काफ़ी साल से सोच रहा था कि क्रॉस रोड से एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि मानवता एक नया टर्न लेने वाली है। मैं 1-2 साल से लोगों शेयर भी किया हूं कि इस तरह से मेरी थिंकिंग चल रही है, लेकिन अभी चूंकि ये सिचुएशन नहीं है, मैं कुछ दिन बाद इस पर फिर चर्चा करूंगा और रिसर्च करने के बाद कि आगे क्या क्या तरह की दिक्कतें आ सकती दुनिया में, और हम चाहें तो वो नहीं भी आ सकती हैं, हम ही हैं जो लाए हैं और हम ही हैं ठीक भी कर सकते हैं। हम सब मिलकर प्रयास करें। मेरा आप सबसे, जो भी मुझे थोड़ा भी प्रेम करते हैं, जो भी जानते हैं कि मैं अधिकतर सच बोलता हूँ, रिसर्च करके बोलता हूँ, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है अगले 14 दिन इसी तरह से रहें, अधिकतर घर में रहने का प्रयास करें और पूरे प्रिकॉशन साथ बाहर निकलें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।